आज विजय जी का ये एग्जीबिशन जिसका नाम है ग्लिम्प्स और यहाँ आने का मौका मिला। एक जैसे आर्टिस्ट हैं और जितने अच्छे इंसान हैं, बहुत सारा लोगों के लिए काम भी किया है और आज एक पेंटिंग में जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें सबसे आगे वाला हाथ विजय जी का है, जिन्होंने ये जो किंगडम सीरीज है उसका बड़ा अट्रैक्शन मुझे भी था क्योंकि तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन आज देखने का मौका मिला और ये नए कंटेम्पररी आर्ट में वुड और कलर का जो कॉम्बिनेशन है आणि मधाच्या पोळ्याला काय म्हणतात हिंदीत, हनी, हाँ हनीकोंब को देखने की बड़ी इच्छा हो गई थी और वो बड़ा स्थायी भाव है उसमें और ये आज की कला है जिसे और आगे लेके जाएगी बहुत सारे आर्टिस्ट। विजय राउत जी से मेरा परिचय इनके एनिमेशन कॉलेज से हुआ है, लेकिन इनकी कलाकृतियाँ इतनी बेहतरीन और इतनी जादुई हैं, इतनी सम्मोहक हैं कि जैसा द किंगडम सीरीज में दिखाई पड़ रहा है कि रानी मधुमक्खी के पीछे छत्ते में सारे के सारे दूसरे मधुमक्खी जो श्रमिक मधुमक्खी हैं वो चिपके जा रहे हैं, वैसे ही हम जो कला प्रेमी हैं इनके कलाओं से चिपके हुए महसूस कर रहे हैं। हम नज़र वहाँ से हटाने का हमारा मन नहीं कर रहा था, हम शायद यहाँ से जाने के बाद भी द किंगडम की क्वीन अर्थात रानी मधुमक्खी और उनके सेवक मधुमक्खियों के बीच के अंतर संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से उकेरती हुई इस चित्रकलाओं को भूल नहीं सकते। वुड और कलर का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से किया है, उनके हाथों में जादू है इसमें संदेह नहीं। दूसरी तरफ जो उन्होंने साधु सीरीज में मनोभावों को, साधु के मनोभावों को इतनी गहराई से खींचा है, उसमें जो भाव भरे हैं वो रंगों को वाटर कलर से, वो जो कि बहुत ही कठिन होता है, और उससे उन भावों को भरने में इतनी सटीकता दिखाई है, इतनी सूचकता दिखाई है कि वो अद्भुत है। कुल मिलाकर जो मोशन वाला आर्ट भी है वो तो नई दुनिया की ओर ले जाता है, जहाँ जो चित्र है वो आपके साथ मूव करते हुए दिखते हैं, आपके साथ गतिमान होते हुए दिखते हैं, तो जीवन के रहस्यों के साथ जहाँ रानी मधुमक्खी है, दूसरी मधुमक्खियाँ हैं, जीवन मतलब जीवन के विभिन्न रहस्यों को वहाँ पर वो उद्घाटित करती हैं, तो दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला
साधु का सीरीज है और तीसरी तरफ पोर्ट्रेट के बाद मोशन पिक्चर है जो हमें आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो कुल मिलाकर एक नई भूमिका है और चित्रकला की दुनिया को एक नया संदेश देगी। मैं पहले से ही मतलब प्रयोगशीलता को मानता हूँ कि और उसके साथ साथ में मतलब ड्राइंग करने के साथ में, पेंटिंग करने के साथ में, उसमें हम क्या दे सकते हैं दुनिया को वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा अपन दे सकते हैं, कलाकार ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए कैनवास के ऊपर, तो उसका कैनवास उसका समाज होना चाहिए, वो शायद समाज का प्रणेता होना चाहिए। शायद इसीलिए मैंने मेरे कला के साथ में वृद्धाश्रम भी किया, मेरे कला के साथ में मेरा स्कूल भी है, मेरे कला के साथ में मेरी प्रयोगशीलता भी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बात करूं और वही बात मैं दोहराते रहूं जिंदगी भर, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दुनिया को दे सकूं कुछ लाया तो कुछ नहीं, अगर मैं देना चाहता हूं तो मुझे भगवान ने मौका दिया है देने का, मैंने देने की कोशिश की है, मैं वो कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं जब भी मैं नासिक के बहुत नजदीक हूँ अमरावती, तो कुंभ मेला देखता हूँ, जब भी मैं कुंभ मेला देखता हूँ उसमें जो साधु देखता हूँ वो साधु मुझे इतने आकर्षित करते हैं, कभी कभी मन होता है कि साधु जैसा भाग जाओ वहाँ पे हिमालय में। तो वो जो भाग जाओ वाली जो बात है, वो जो अट्रैक्ट करने वाली बात है, वो साधु ने मुझे प्रवृत्त किया कि मैं उसको एटलीस्ट मैं जा नहीं सकता लेकिन मैं कैनवास पे उतार सकता, तो मैं उतारने की कोशिश की। उनके जो हाव भाव है, इसमें नागा साधु है, नागा साधु के हाव भाव अगर मैं घर में लगाऊं तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन उनके जो भाव है उसमें जो विरक्ति है इस दुनिया के प्रति, जो विरक्ति है और जो उनकी भावना है, वो तो भावना अगर मैं कैनवास के ऊपर उतारूँ तो उसके जैसा कोई मुझे ऐसा लगा नहीं चैलेंज है करके, तो मैं करने की मैंने कोशिश की है। मुझे तो वो जैसे जैसे मुझे मुझे ये वैरायटी ने बड़ा अचंभित कर दिया है, क्योंकि एक तरफ आगे जाने वाली प्रयोगशीलता है, एक तरफ पोर्ट्रेट्स हैं, एक तरफ कैरिकेचर है, एक तरफ मोशन पेंटिंग है, तो हर तरह की नई बात करने की और प्रयोगशीलता के साथ रहने की जो भावना है वो बिल्कुल तारीफ करने लायक है। कि एक कलाकार को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक ही तरह का चित्र बार बार कितनी बार करूँगा, तो ये प्रयोगशीलता है कि जिसके लिए मैं यहाँ खींचा चला आया हूँ। बिल्कुल, जो व्यक्ति रूढ़ होना नहीं जानता, जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है, जो व्यक्ति प्रयोग धर्मी होता है, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस रखता है, जो जोखिम उठाता है, वही नया इतिहास करता है। इसलिए इसमें मतलब हमारे राउत जी की इन पेंटिंग्स के माध्यम से हम विश्व में चित्रकला को नया आयाम देने के निसंदेह प्रयत्न करते हैं। जी, मैंने पहले भी इस बात को अभिव्यक्त किया कि इनकी पेंटिंग जो है वो केवल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि भावों को संजोए हुए हैं, कभी अंतर्मन के भावों को जो द किंगडम में दिखाया जा रहा है, कभी आध्यात्मिक भावों को और कभी गतिशील भावों को। इसलिए इनकी पेंटिंग सीधे सीधे व्याख्या करती है, होठों पर होठ रखकर अपनी बात रखती है, इसलिए इनकी पेंटिंग के बारे में मैंने जो कहा कि वो बहुत ही सटीक है।
जी मैं पेंटिंग बनाना चाहूँगा मानव मन की जटिलताओं की, क्योंकि मानव मेरे लिए केंद्र बिंदु है, जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा। मेरे लिए विचारधारा से आगे बढ़कर जिस मानव समाज में हम जी रहे हैं, जिस मानव समाज के पुनर्निर्माण या उसके जीवन को सुंदर करने के लिए जैसे ये योगदान दे रहे हैं, तो किस तरह से उनमें उनकी जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को कैसे उकेरा जा सके और उन जटिलताओं को कैसे सुलझाया जा सके, यही मेरे मैं उस पेंटिंग के प्रति अपने आप को प्रवृत्त करूँगा। वाह, जो भी कलाकार अपनी पेशकश करते हैं, आप अभिनेता हैं, हम शिल्पकार हैं, विजय राउत ऑलराउंडर आर्टिस्ट है, कभी छेड़ा जाता था कि आप तो अप्लाइड आर्टिस्ट है, जाहिरात करने वाले हैं, और आज आप देखेंगे वो कला का नेतृत्व कर रहे हैं कि मैं कला को बदला के दिखा सकता हूँ और मेरी कला वही मूल्य के साथ में लोग लेके आएगी कि दूसरे को मेरा लोहा मानना पड़ेगा कि मेरी कला आज की कला है। ये जो हुकूमत है उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी परिश्रम लेने की क्षमता है। विजय एक ऑलराउंडर व्यक्ति है, उनका जो रियलिस्टिक स्ट्रोक है, उनकी जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उसको एस्थेटिक फॉर्म में लाने की जो हिम्मत है, और उनका पेंटिंग रिलीफ करके सामने निकालने की जो कला है, हम भी अपनी कला पेश करते हैं, लेकिन विजय राउत एक नया मोड़ लेके आए हैं। वो आज का मोड़ है, आज का दौर है, ये देश और दुनिया में एक कला संस्कृति में एक नई पहल है। समाज उसकी दखल ले, समाज इसका संग्रह कर ले, मीडिया इसको दिल चाहे अच्छी प्रसिद्धि दे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इनसे प्रेरणा ले, ये मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। देखिए, विजय की कला हम 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, और इसकी पहली प्रदर्शनी उनकी जब करीबन 12 साल पहले हुई थी, 12-13 साल हो गए रहेंगे, वही जहांगीर में ही हुई थी। उसमें भी वो पेंटिंग को सिर्फ पेंटिंग की तरह नहीं, बट एक स्कल्पिंग की तरह स्कल्प करते हैं। यहाँ भी अगर देखेंगे तो एक्सपीरियंस इतने हैं कि कैनवास पेंटिंग है, वाटर कलर है, 3D पेंटिंग है, मोशन पिक्चर है, और जो पेंटिंग की है, जैसा सर ने कहा, उत्तम बाजार में सर ने, कि उन्होंने एक रिलीफ बनाया है उसमें से। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि देखिए, चित्रकार का जो विश्व होता है हमारा समाज, उनका अपना विश्व, जो वो जो जो कुछ वो काम कर रहे हैं, अभी उनका वृद्धाश्रम है, उनकी स्कूल है, उनका एनिमेशन कॉलेज है, और इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारा जो उनका विश्व है, मैं तो यही कहता हूँ कि वो सारा विश्व, उनका प्रतिमा विश्व करके एक सिंबॉलिक रूप की में ये हनीकॉम की पेंटिंग में आया है, ये मैं मानता हूँ। हालांकि हनीकॉम की पेंटिंग को अलग अलग तरह से आप रीडिंग कर सकते हैं, एज ए रियलिस्टिक पेंटिंग देख सकते हैं उसको, एज ए सिंबॉलिक पेंटिंग देख सकते हैं, एज ए उसको तो स्कल्पचर देख सकते हैं। तो ये नया ट्रेंड है, नया एक्सपेरिमेंट है, और जैसे इन्होंने कहा कि 20 साल आर्टिस्ट वही पेंटिंग करते हैं, ये पहले से ही इन्होंने कहा एग्रेसिव रहे हैं। तो एग्रेसिव आदमी, एग्रेसिव चित्रकार, एग्रेसिव कलाकार एक जगह नहीं रह सकता, एक स्टाइल के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ काम नहीं कर सकता, यही उनकी खूबसूरती, यही उनका विश्व उसकी पेंटिंग, उनकी पेंटिंग में आया है। धन्यवाद। देखिए, 3D पेंटिंग सिर्फ कला नहीं है, आपको उसके साथ साथ उसका टेक्निक भी, उसकी जो तकनीक है वो भी सीखनी है। और 3D पेंटिंग की डिमांड, देखिए पेंटिंग की डिमांड तो सब जगह है। अभी इंडियन आर्ट आप देखा जाए तो इंडिया में वासुदेव गायतोंडे सर का जो पेंटिंग है, अभी अप्रैल के महीने में 42 करोड़ का रिकॉर्ड हुआ है। एक इंडियन आर्टिस्ट की पेंटिंग, वासुदेव गायतोंडे सर की पेंटिंग 42 करोड़ में 26 क्रिस्टी जैसे ऑप्शन में सेल होती है। तो इंडियन आर्ट ग्रोथ बहुत बड़ा है, डिमांड पेंटिंग की है, और मैं तो कहूँगा ये बहुत स्लो है, क्योंकि ये ढेर सारी चीज़ें करते हैं, ये स्कूल चलाते हैं, ये कॉलेज चलाते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं, और एग्जीबिशन तो मुझे लगता है 12-15 साल बाद फिर से कर रहे हैं। पेंटिंग की डिमांड बहुत है, इन्होंने पहले से ही करनी चाहिए थी, वो
करते भी हैं, लेकिन वो इतना काम कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे, लेकिन फिर भी ये पेंटिंग जो भी आई है यहाँ पे, इसमें मैं कहूँगा कि भारत के कला के सारे प्रवाह समाये हुए हैं। थैंक यू। नहीं, इतना ये जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं आर्ट आर्ट के फील्ड के, हम थोड़ा बाहर से देखते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइनर्स, ये जो इनकी आर्ट है, आपने इनको सवाल पूछा ये क्या ये यानी बढ़ेगी, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो हमारा देश का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक परिस्थिति बढ़ रही है, हमारे एयरपोर्ट्स सुधर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसमें ये जो आर्ट है, इन्होंने आज जो एक्सपेरिमेंट दिखाई है, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा, और ये सबके बस की बात नहीं है। ये जो आर्टिस्ट के जो ये प्रतिभा है, अगर ये सबके पास होती तो फिर इसकी कीमत नहीं होती। जैसे अभी पाटिल साहब ने कहा 42 crores, इट्स अ रिकॉर्ड। तो आई विश के विजय और हमारे उत्तम जी है, सभी लोग, इनके अच्छे दिन आ जावे जल्दी से जल्दी। अच्छे दिन आर्ट के है ही, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पैसे के लिए नहीं देख रहा हूँ, बट इनकी प्रतिभा आज अमरावती से ये कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल क्लास की। मैं पांचों खंडों पे घूमता रहता हूँ, मैं आई एम इनटू स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स किया हूँ, सभी गेम्स किया हूँ, तो जो आर्ट जब सब जगह देखता हूँ, सब एयरपोर्ट्स में देखता हूँ, सब होटल्स में देखता हूँ, दुनिया में जहाँ जहाँ कल्चर है वहाँ पर आर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मुझे लगता है ये आर्ट उसी स्टैंडर्ड की है जो मैं इंटरनेशनली देखा हूँ। तो व्हाट मोर आई कैन से अबाउट दिस। मैं तो समझता हूँ कि मैं जब से मैं ड्राइंग करता था तब से मेरे अच्छे दिन हैं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरे बुरे दिन हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैंने ये सोचा है कि मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, अच्छे दिन क्या होने चाहिए कि आर्टिस्ट को दो वक्त की रोटी मिले और वो काम कर सके, इतना पैसा मिले। पहले राजा महाराजा आर्टिस्ट को पालते थे, आज राजा महाराजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत चाहिए कि किसी भी आर्टिस्ट ने किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये मेरी बात। मैंने आपको एक बात बोलता हूँ, ये मोशन पेंटिंग जो है, ये मोशन पेंटिंग्स को मुझे दो इंटरनेशनल अवार्ड मिले, जर्मनी के लेंस्टार लैंडिकुलर अवार्ड, और माया जा, और ये जब मैं एक जगह पे गया था आईआईटी में और उन्होंने पूछा कि डिजिटल आर्ट को वैल्यू क्यों नहीं है, तो मैंने बोला उसको यूनिक बनाओ तो उसको वैल्यू है। मैं जब चन्ना मामा पढ़ता था और चन्ना मामा में देखता था कि बाबा लड़का जब कहानी पढ़ता है और उसमें उसका चित्र जिंदा हो जाता है, तो मुझे मेरे मन में आई थी जिंदा कैसे हो जाता है, हालचाल कैसे करता है, तो मैंने कोशिश की मेरे ड्राइंग में से मेरा ड्राइंग हालचाल करे विदाउट एनी डिवाइसेस, और वो मैंने करने की कोशिश की। वर्ल्ड के बहुत कम लोग करते हैं, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मुझे दो उसके लिए मिले। इंडिया में ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आर्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो संगम है, वो संगम होना जरूरी है, जिसको हम कॉन्टेम्प्ररी आर्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉन्टेम्प्ररी आर्ट, 1936 में जो कर रहे हैं 2022 में वही करेंगे क्या? तो 2022 में जो करना चाहते हैं, तो लोगों को लगना चाहिए कि आर्ट का फ्यूचर ये है। हमको आर्ट को कितने अच्छे दिन आते हैं उसके बजाय आर्ट कहाँ पे जा रही है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये आज के आर्ट है। अब हम लोग सब लोग जी रहे हैं, बस यही तो अच्छे दिन है 21st सेंचुरी में, सभी आर्टिस्ट के अच्छे दिन है। जो समझते हैं कि मेरे अच्छे दिन नहीं है, उसने समझना चाहिए कि मेरे में कुछ कमी है, और हमारी कंपटीशन वर्ल्ड के साथ में है, तो हमने वर्ल्ड लेवल का काम करने की कोशिश करनी चाहिए, बस यही बोलूं।